दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गणेश उत्सव पर यानी गणेश चतुर्थी पर कौन से उपाय करने चाहिए या बप्पा आपके घर हो तो 10 दिनों में कौन से उपाय करने चाहिए। भगवान गणेश कष्टों को दूर करते हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है, हर संकट से मुक्ति दुलाते हैं। देश दुनिया में 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से हो चुकी है। इस दौरान कई लोग अपने घर में 10 दिन के लिए बप्पा को लेकर आते हैं। जगह जगह पंडाल सजते हैं और भगवान गणेश विराजमान किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में अगर कुछ उपाय किए जाएं तो आपकी काफी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको मिलता है। ऐसा करने से न केवल घर में सुख शांति बनी रहती है बल्कि समाज में सम्मान मिलता है, नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलती है। जानते हैं कुछ उपाय। पहला उपाय, अगर आप अपने परिवार में मानसिक रूप से शांति बनाए रखना चाहते हैं तो आपको स्नान के दौरान एक लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। दुर्वा की सहायता से भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए इसको पूरे मंदिर में छिड़के, इसके बाद पूरे घर में छिड़के, घर में शांति बनी रहेगी। विवाह में समस्या आ रही है तो जातकों को विवाह समस्या दूर करने के लिए गणेश उत्सव के दौरान 10 दिनों तक भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ भगवान को भोग लगाना चाहिए और जल्दी विवाह योग बने इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा उपाय, यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी अच्छा हो या मन चाहा हो तो इस दौरान यानी 10 दिनों तक भगवान गणेश को 11 मोदक का भोग लगाएं। अगर आपको मोदक ना मिले तो बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें। ये भोग आपको सुबह स्नान के बाद लगाना है। चौथा उपाय, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की खुशियां कभी भी दूर ना हो या किसी बच्चे पर कोई बीमारी हावी ना हो तो भगवान गणेश के दौरान गोबर के उपले पर 2 कपूर और 6 लौंग की आहुति दे। इस आहुति किलो अपने बच्चे के माथे पर